अगर आप सिर्फ बोल के पैसा कमाना चाहते हैं तो कुको FM आपके लिए बहुत ही शानदार अपडेट लेके आया है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। मैंने कुको FM के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, जहाँ से कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से कुको FM के थ्रू आप अर्निंग करें एज एन क्रिएटर वहाँ पे पॉडकास्ट अपलोड करके। लेकिन अब क्रिएटर्स की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार अपडेट है, जिससे कि आप अच्छे खासे इनकम को जनरेट कर पाएंगे डायरेक्टली कुको FM के थ्रू। तो चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको लेके जाता हूँ और आपको सारी डिटेल जो है वो वन बाय वन दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ओपन करनी है आपकी कुको FM की ऐप। अगर आपने वहाँ पर रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाइए और रजिस्टर कर लीजिए। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, क्या प्रोसेस है सर मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है, तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं ये वीडियो कम्प्लीट होने के बाद, पहले मत चले जाना। तो जैसे ही आप ऐप ओपन करते हैं सबसे टॉप पे आपको दिखाई देगी आपकी कुको FM की प्रोफाइल, वहां पे आपको क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद अगर आपने रजिस्टर करके रखा है तो वहां पे आपको एक न्यू ऑप्शन शो हो रहा होगा जिसका नाम है स्टूडियो। अब आपको क्लिक करना है स्टूडियो के ऊपर। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको दो और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, उसमें फर्स्ट है क्रिएट एपिसोड और सेकंड है क्रिएट शो का। ये दोनों ही अलग अलग फीचर हैं और इसको कैसे काम लेना है वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे आप क्रिएट शो के ऊपर क्लिक करते हैं वहां पे आपसे पूछा जाएगा उस शो का नाम मतलब टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन। ये दोनों ही एड करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। वहां पर जाने के बाद आपको और चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि लैंग्वेज, कैटेगरी, टैक्स, कौन सा जेनर है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस हो गया, कॉमेडी हो गया, मोटिवेशन हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, जिस भी कैटेगरी में आपका है उस सबको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको ऐड करने हैं टैग्स, जैसे कि आप इंस्टाग्राम में फेसबुक के ऊपर टैग्स को ऐड करते हो वही सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी टैग्स को ऐड कर देना है। उसके बाद एक और न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पे कि आपको ऐड करना है थंबनेल, मतलब कि जो भी आपका पॉडकास्ट होगा उसका एक थंबनेल होगा कि किस चीज से रिलेटेड आपका शो होने वाला है। फिर नीचे आपको पब्लिश का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको पब्लिश पे ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका एक शो क्रिएट हो चुका है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने अपना ऑडियो तो सबमिट किया ही नहीं, पॉडकास्ट डाला ही नहीं, फिर तो चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, क्रिएट एपिसोड और क्रिएट शो का। आपने शो क्रिएट कर दिया, आपको क्रिएट करना है एक एपिसोड। उस एपिसोड को आपको लिंक करना है शो के साथ जो कि उस शो से रिलेटेड होगा। तो फिर आपको जाना है बैक और वहां पे क्लिक करना है क्रिएट एपिसोड के ऊपर। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्रिएट फ्रॉम डिवाइस और सेकंड ऑप्शन है रिकॉर्ड विद कुको FM, जो कि सबसे अच्छा फीचर है अब तक की किसी भी पॉडकास्टिंग ऐप का, जहां से कि आप अपने पॉडकास्ट को डायरेक्टली रिकॉर्ड कर पाएंगे। रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी हैं, जिससे कि आपकी ऑडियो क्वालिटी और भी अच्छी आ सकती है और उसे आप एडिट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है इफेक्ट का, सेकंड ऑप्शन है कॉलैब करने का, मतलब कि आप एक जगह बैठे हुए किसी और से भी कॉलैब कर सकते हैं, साथ में आप पॉडकास्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है गैलरी का, जहां से कि आप डायरेक्टली उस चीज को वहां पे अपलोड कर पाएंगे। उसके साथ ही नीचे आपको और भी ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि मैसेज और रिकॉर्ड वगैरह के। उसमें मैसेज का ऑप्शन अभी तक एनेबल नहीं हुआ है, वो बीटा वर्जन में है, जल्दी आपको मिल जाएगा, लेकिन वहां पे आपको भी शो जरूर हो रहा होगा। तो कुछ इस तरह से कुको FM अपने क्रिएटर्स के लिए, अपने पॉडकास्टर्स के लिए बहुत ही अच्छे अपडेट्स लेके आया है, जिसे आप इजीली यूज कर पाएंगे, यहां से अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बता के रखा है कि यहां से आप अर्निंग जो है वो हर महीने 50,000-60,000 तक की कर सकते हैं। अगर आपकी वॉइस अच्छी है, हैवी है, आपको नॉलेज है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, आप बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं। और आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बुक पढ़ के बोलना है। अगर ऐसा कुछ करोगे तो आपका ऑडियो यहाँ पे अप्रूव ही नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको एक अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर, तो ही आप यहाँ पे बहुत सारे पॉडकास्ट क्रिएट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि दो पॉडकास्ट क्रिएट कर दिए तो आपको बहुत सारे व्यूज मिल जाएंगे, यहाँ से अर्निंग कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक शो क्रिएट करना है, शो में कम से कम 25-30 एपिसोड डालने हैं और हर एपिसोड फॉर एग्जाम्पल 5-10 मिनट का है, तो इस तरह से आपको पूरा अच्छे से मैनेज करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ से अर्निंग को जनरेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने अपने बुक देखी, बुक को देख के पढ़ लिया और यहाँ पर डाल दिया, तो इस तरह से अर्निंग कभी नहीं होती किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये तो ऑब्वियसली पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे बहुत ही हर चीज को ध्यान में रखा जाए कि आप क्या बोल रहे हो, वो बोलने की कितनी वैल्यू है, लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लोग छोड़ के चले जाएंगे क्या होगा, तो वो सब देखने के बाद आपके ऑडियोज जो है, आपके पॉडकास्ट जो है, वहाँ पे अप्रूव किए जाएंगे। मैं इसी तरह से ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन बिजनेस के वीडियोस आपके लेकर आता रहता हूँ। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को क्लिक कर देना कि हर वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच जाए। आप सिर्फ आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप के थ्रू अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो, एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू ही, आगे जाके बहुत ही बड़े स्टार्टअप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी के ऊपर। तो आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। या फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM भी कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम के ऊपर मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं मेरे अगले ऑनलाइन अर्निंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस के आइडियाज के साथ, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय।